आज राजनीति का एक सितारा डूब गया है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप सभी लोग इन्हें जानते भी होंगे, इनका नाम भी सुना होगा। इनका नाम था मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में जाना माना चेहरा रहा है। देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। और अभी वर्तमान में ये लोकसभा सदस्य थे। इनकी हाल ही में डेथ हो गई है, यानी कि मौत हो गई है। और ऊपर वाले से दुआ करिए इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। कुछ पिक्चर और देख लीजिए आप लोग, बीमार भी चल रहे थे कुछ समय से। और आप देखिए इनकी पहली पत्नी मालती देवी और आप देखते हैं कि दूसरी पत्नी साधना गुप्ता, इनकी दो शादियां हुई थी। और देखिए साधना गुप्ता के साथ इनके प्रतीक बेटे प्रतीक यादव इनके बेटे थे और मालती देवी से इनके बेटे अखिलेश यादव थे। और अखिलेश यादव की फैमिली है, अखिलेश यादव, इनकी पत्नी डिंपल यादव, इनकी दो बेटियां और इनका बेटा। एक बार पहले आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा, आपको अपना उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य लखनऊ उसकी राजधानी है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। और राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की गति है ना, इसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। मुलायम सिंह यादव की अगर हम लोग पूरे नाम की बात करें तो मुलायम सिंह यादव पूरा नाम इनका, और इन्हें लोग नेताजी के नाम से जानते थे। 22 नवंबर 1939 में सैफई इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुगर सिंह यादव और माता का नाम मूर्ति देवी, और इनकी पत्नी मालती देवी, दूसरी पत्नी साधना गुप्ता। इनके बच्चों की बात करें तो अखिलेश यादव इनके बेटे जो पॉलिटिशियन है, प्रतीक यादव जो बिजनेसमैन है, इनके दो बेटे हैं। और भाइयों की बात करें तो शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव, अभय राम सिंह यादव, जय राजपाल सिंह यादव, रतन सिंह यादव इनके भाई हैं, और बहन कमला देवी यादव। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो के कॉलेज इटावा उत्तर प्रदेश से इन्होंने शिक्षा ली हुई है और एक ही कॉलेज सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश से भी पढ़ाई की हुई है। बीआर कॉलेज आगरा विश्वविद्यालय आगरा से इन्होंने पढ़ाई पूरी की हुई है और बीए में राजनीति शास्त्र से किए हुए थे और एमए भी राजनीति शास्त्र से किए हुए थे। तो इसलिए आप देखते थे कि राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी थे, पहलवान थे राजनीति के। और कुश्ती करना, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये पहलवानी भी एक समय करते थे। पुस्तकें पढ़ना, संगीत सुनना, लोक नृत्य देखना इनकी अभिरुचि थी, शौक थे। और पसंदीदा राजनेता राम मनोहर लोहिया थे। और आप देखते हैं कि इनकी भी समाजवादी पार्टी की बात होती है ना तो कहते हैं कि लोहिया की विचारधारा पर चलती है और समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। अगर हम लोग इनकी राजनीतिक यात्रा की बात करें तो आप देखेंगे कि 1967 में वह उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुने गए थे और विधानसभा का सदस्य चुनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए अगर विधानसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है। और इसका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो वोटर सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा, वोट डालने भी आप लोग जाते होंगे। 1977 में वह पहली बार उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री बने। 1980 में वह लोक दल के अध्यक्ष बने थे। 1982 से 1985 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में पद संभाला था। 1989 में वह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और 1990 में वह चंद्रशेखर की पार्टी जनता दल में शामिल हुए थे। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट की स्थापना की थी और जो साइकिल देखते हैं ना चुनाव चिन्ह, उसी की बात हो रही है। 1993 में वह दूसरी बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री बने थे। 1996 में वह मैनपुरी क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे।
और लोकसभा सदस्य की बात करें तो आप देखेंगे इसके लिए भी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम कोई उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और इसका चुनाव भी डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा ही होता है। 1999 में वह संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार के अंतर्गत भारत के रक्षा मंत्री बने और रक्षा मंत्री के रूप में उनका कार्य की कार्यों की सराहना भी की जाती है। 1999 में उन्होंने दो लोकसभा सीटों संभल और कन्नौज से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटें जीत दर्ज की। 2003 में वह तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 2004 में उन्होंने 183,899 वोटों के अंतर से गन्नौर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। तो ये एक बड़ी जीत होती है जो अब तक की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड माना जाता है। 2004 में उन्होंने मैनपुरी क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता था। 2014 में उन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव में दो सीटों पर चुनाव लड़ा था, आजमपुर और मैनपुरी से, और दोनों ही सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। और 2019 में लोकसभा सीट मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। और इस तरह से आप देखेंगे कि इनकी राजनीति में कभी हार का सामना ही नहीं करना पड़ा है। जहां से भी चुनाव लड़ा लोगों ने जिताया। तो एक शॉर्ट कहानी है किसकी? मुलायम सिंह यादव की, जो हमारे बीच में नहीं रहे। वैसे ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले। और देखिए, आलोचना मुझे लगता है कि व्यक्ति की तभी तक की जानी चाहिए जब तक वो जिंदा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कई लोग इन्हें पसंद करने वाले भी होंगे और बहुत सारे लोग इन्हें नापसंद करने वाले भी होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आदमी के खत्म होने की, उसकी डेथ होने के बाद आलोचना खत्म हो जानी चाहिए। शायद यही इंसानियत की पहचान होती है।